अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर कारवान। आई एम एहसन अली। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द पंजाब टेक्स्ट बुक। सो इन चैप्टर वन आवर सेकेंड टॉपिक इज मॉडर्न सिनेरियो। तो मॉडर्न सिनेरियो क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड्स, देयर आर मैनी रेवोल्यूशन अकर इन दैट इरा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में इजाफे की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसी यूटिलिटीज़ हैं जो कि उभर के आई हैं, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि दुनिया में आई है। तो वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, वो कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसमें हम ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो कि इंसानों की तरह देख सकता है, सुन सकता है और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट भी दे सकता है। जिसमें हमारे पास सबसे बेहतर एग्जांपल है रोबोटिक्स की। एक रोबोट तैयार किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो सेकेंड वन इज़ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन स्टैंड फॉर, हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब होती है www, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक वेब पेजेस एंड डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं, जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में, मल्टीमीडिया की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, तो उन सब को हम वेब एप्लीकेशंस के तौर पर कंसीडर करते हैं। थर्ड वन इज़ ई एंड एम कॉमर्स। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड एम स्टैंड फॉर मोबाइल कॉमर्स, मीन्स डूइंग अ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज़ ई कॉमर्स। एंड डूइंग अ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, दैट इज़ एम कॉमर्स। आपने देखा होगा कि जो बैंक्स में सिस्टम इस्तेमाल होते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड, तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। लेकिन अगर अभी पाकिस्तान में मोबाइल एप्लीकेशंस भी इंट्रोड्यूस हुई हैं डिफरेंट बैंकिंग की, तो अगर हम अपने मोबाइल के थ्रू बैंकिंग इस्तेमाल करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, दैट इज़ एम कॉमर्स। नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर एनिमेशन। एनिमेशन क्या होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इमेजेस होती हैं डिफरेंट, और सेम पिक्चर्स भी हो सकते हैं, उनको एक ख़ास तरतीब और ख़ास टाइम के लिहाज से उनको आपस में कंबाइन किया जाता है और फिर उसको एक टाइम स्टैम में चलाया जाता है, दैट इज़ कंप्यूटर एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंड रिलेटेड इमेजेस। लास्ट वन हमारे पास आ जाता है, सेकेंड लास्ट, मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया। मल्टीमीडिया में आता है हमारे पास वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, इमेजेस, वो सारी आती है मल्टीमीडिया में। और लास्ट पे हाइपरमीडिया। हाइपरमीडिया में होता है कि हम डिफरेंट इमेजेस और वीडियोस के दरमियान एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर हम इस इमेज पे क्लिक करें तो हमारे पास कोई वीडियो ओपन हो जाए, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करें तो हमारे पास एक वेब पेज ओपन हो जाए या कोई दूसरी वीडियो ओपन हो जाए, दैट इज़ हाइपरमीडिया। हाइपरमीडिया में हम लिंक्स क्रिएट करते हैं बिटवीन इमेजेस और वीडियोस। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में होता है कि हमारे पास एक सिंगल टास्क होता है, लेकिन उसको करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे डिवाइसेस मौजूद होती हैं। लेट्स सपोज हमने एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर डिफरेंट मॉड्यूल्स बन जाएंगे जो कि हर मॉड्यूल एक अलग अलग सिस्टम पर काम करेगा। तो हमने एक टास्क को डिवाइड कर दिया उसकी फंक्शनैलिटी की बेस पे, ताकि वो डिफरेंट डिवाइसेस उसको परफॉर्म कर सके, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो ये था हमारे पास मॉडर्न सिनेरियो, और उसकी जो भी एडवांसमेंट हुई है वो सारी फील्ड्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। तो हम नेक्स्ट देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारी बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर वन का 1.1, दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि इनपुट लेती है किसी भी डेटा को, उसको प्रोसेस करती है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन दैट इज प्री डिफाइंड, एंड प्रोड्यूस आउटपुट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, और उसको बाद में स्टोर कर सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। तो इसमें फोर वर्ड्स हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन में, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट
एंड स्टोरेज। तो ये चार काम है जो कि कंप्यूटर करते हैं। कोई भी कंप्यूटर है वो ये चार ऑपरेशन लाजमी परफॉर्म करेगा। सबसे पहले वो इनपुट लेगा, वो किसी भी फॉर्म में इनपुट ले सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, इनपुट है, मीन्स इमेजेस हो सकती हैं, वॉइस हो सकती है, वीडियो हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट में चेंज करेगा और उसको बाद में स्टोर भी कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सीपीयू है जो कि इनपुट लेगा, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें सीपीयू दिखाया गया है, उसको इनपुट मिल रही है 2 और 3 और एक ऑपरेटर है प्लस का, मतलब आपने इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। तो सीपीयू क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा और जो इसका आंसर होगा या तो वो आउटपुट पे शो करवा देगा या उसको स्टोरेज में स्टोर करवा देगा, ये दोनों ऑप्शनल है। तो अगर उसने स्टोर करवाना है तो उसके साथ स्टोरेज डिवाइस अटैच होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज, तो वहाँ पर परमानेंट स्टोर करवा सकता है और फिर वो स्टोरेज डाटा हम गेट करके आउटपुट पे भी शो करवा सकते हैं और फ्यूचर में भी अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम स्टोरेज डिवाइस से डाटा गेट करके हम उसको देख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। अब हम आते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर। हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो सारे के सारे उसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकली वो अवेलेबल होते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और हार्डवेयर कंपोनेंट्स में जो भी आते हैं, मिसाल के तौर पर उसके कीबोर्ड हो सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, उसमें हमारे पास प्रोसेसर्स हो सकते हैं, स्टोरेज हो सकता है, तो ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इसमें हमसे सबसे पहले देख लेते हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस में कौन कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं सारी की सारी, उसके बाद प्रोसेसर आ जाता है, फिर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस, डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, तो ये हमारे पास सारी की सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होंगी जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होंगी। उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, उनको सबको हम बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनपुट डिवाइसेज में आपके आ जाते हैं माइक्रोफोन, माउस, टच स्क्रीन, टच पैड, ये सारी की सारी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और इन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स भी हार्डवेयर डिवाइसेस का पार्ट है, इसमें ये एक फिजिकल कंपोनेंट है जो कि प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी इनपुट आपकी जाती है कंप्यूटर के पास, उसमें एक प्रोसेसर लगा होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, तो दैट इज़ हार्डवेयर कंपोनेंट। प्रोसेसर में वो आ गया, उसके बाद होती है आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर की आउटपुट को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है, दैट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें हमारे पास जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ मॉनिटर, उसके बाद हमारे पास स्पीकर्स आ जाते हैं, प्रिंटर्स आ जाते हैं, वो सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेज हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेज। ऐसी डिवाइसेज जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेज कहते हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि अगर हम डेटा मतलब परमानेंट स्टोर करना चाह रहे हैं उसके लिए डिवाइसेज अलग होती हैं, अगर हमें टेम्परेरी तौर पे डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए डिवाइसेज अलग से होंगी। तो अगर हमने सिर्फ टेम्परेरी तौर पर डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए मेन मेमोरी का कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही अटैच होता है, सीपीयू को हेल्प करता है डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, तो उसे कहते हैं मेन मेमोरी। ये भी हार्डवेयर कंपोनेंट है। उसके बाद आ जाता है आईओ यूनिट। आईओ यूनिट ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि साइमल्टेनियसली इनपुट के लिए भी इस्तेमाल होता है और साथ साथ आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं हमारे जो टर्मिनल्स हैं, टच स्क्रीन है, हम उन्हीं स्क्रीन से उसको यूज़र को इनपुट भी देते हैं और सिस्टम उसी स्क्रीन के थ्रू हमें आउटपुट भी देता है। उसके बाद हमारे पास इंटरकनेक्टर्स। इंटरकनेक्टर्स ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो इनसाइड होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज जो हमारा सीपीयू है प्रोसेसर, उसने मेन मेमोरी से डेटा गेट करना है, या हार्डवेयर डिवाइसेस जो स्टोरेज डिवाइसेस है सेकेंडरी, उस पर डेटा उसने स्टोर करना है, तो इन दोनों को जो कंबाइन करेगा जोड़ने के लिए हमारे पास इंटरकनेक्टर यूज़ होते हैं। ये बसेज होती हैं, केबल्स होती हैं और पोर्ट्स होती हैं जो कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से फिजिकली जोड़ते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। ये ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेज है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क से अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हमारे पास राउटर्स आ जाते हैं, ब्रिजेज आ जाते हैं, स्विचेज आ जाते हैं जो कि कंप्यूटर का डेटा शेयर, अगर हमने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा शेयर करना है तो उसके लिए हम नेटवर्क डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास होगी सारी की सारी हार्डवेयर डिवाइसेस। हम इनको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। पहले सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये कि हदायत का मजमुआ होता है जो कि एक सीक्वेंस में चलती है, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है, तो उनके अकॉर्डिंगली वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है। तो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनके यूजेस के लिए आज इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया सॉफ्टवेयर को। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के वर्किंग के लिए लाजमी होते हैं। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हम कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो वो सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस बेकार हैं। मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। सबसे पहले आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज यूटिलिटी प्रोग्राम एंड थर्ड वन इज डिवाइस ड्राइवर्स। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, मेमोरी एलोकेशन होती है, वो सारे के सारे काम मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो मशहूर है ज़माना ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ विंडोज़। उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्ज़ाम्पल डोस, मैकिंटोश, लिनक्स, सोलारिस, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज ने डिज़ाइन किए अपने मतलब कंपनीज़ को रन करने के लिए। सेकेंड वन इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्थ के लिए लाजमी होते हैं। मतलब इनके बगैर हमारा कंप्यूटर तो चल सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको ज़रूरी होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। इसमें हमारे पास एग्जांपल आए थे सबसे पहले एंटीवायरस की, कि अगर हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस मौजूद नहीं होगा तो वो हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को तबाह कर सकता है, उसमें वायरस फैला सकता है, उसकी वर्किंग को स्लो कर सकता है, परफॉर्मेंस उसकी ख़राब कर सकता है। तो उसके लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं। तो थर्ड वन इज़ डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर्स भी ऑप्शनल है तब तक जब तक हम उसके साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस अटैच नहीं करते। जैसे ही हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस, फॉर एग्जांपल प्रिंटर अटैच किया है, तो वो नहीं चलेगा जब तक हम उसका एक ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर।
तो जो भी एक्सटर्नल डिवाइस होती है उसके साथ एक डिवाइस ड्राइवर मौजूद होता है जो कि उस कंपनी ने डिज़ाइन किया होता है, तो वो जब तक हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे वो डिवाइस नहीं चलती। तो प्रिंटर का अलग से डिवाइस ड्राइवर होगा, अगर हमने कोई स्पीकर अटैच करना हो उसके लिए अलग से डिवाइस ड्राइवर होगा, अगर हमने माइक्रोफोन अटैच करना है, USBs अटैच करनी तो उसके लिए अलग से डिवाइस ड्राइवर्स मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास आ गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सिस्टम को चलाने के लिए तो ज़रूरी नहीं होते, लेकिन जो यूज़र उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए हमारे पास डिज़ाइन किए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब यूज़र की जो प्रॉब्लम्स है डिफरेंट, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास आ जाते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मतलब यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग की हम एग्जांपल लेते हैं तो उसका सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगी और सिर्फ उस स्पेसिफिक बैंक के लिए अपने काम सर अंजाम देगी, तो वो क्या होते हैं कस्टम बिल्ड एप्लीकेशन। जैसे नादरा की ले लेते हैं, किसी भी बैंक सिस्टम की ले लेते हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो डिज़ाइन होती हैं वो आती है कस्टम बिल्ड एप्लीकेशन में। दूसरी हमारे पास है पैकेज एप्लीकेशन या पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आम लोगों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करती है, कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन जो जनरल होती है हमारे पास अवाम उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें क्या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, तो ये सारे के सारे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, हम कोई भी इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आ जाता है हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर। तो अब अगर हम देखें कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का डिफरेंस क्या है, हमने हार्डवेयर देख लिया, हार्डवेयर डिवाइसेस देख लिया, उसके बाद सॉफ्टवेयर देख लिया, सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स है क्लासिफिकेशन हमने वो डिस्कस कर लिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, तो उसका जो मेन डिफरेंस होता है वो यही है कि जो हार्डवेयर डिवाइसेज है उनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। ये एक फिजिकल कंपोनेंट है और ये एक नॉन फिजिकल है, इसको हम टच नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा के हमारे जिस्म है जो कि बॉडी है, फिजिकल है, हमारे हाथ है, पांव है, और हमारे जिस्म के अंदर एक रूह है जो कि हमारी पूरी बॉडी को वर्किंग के लिए लाजमी है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी रूह है वो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट काम सर अंजाम दे रही है, और जो हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स है उसको हम हार्डवेयर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, हमारी आंखें हैं, इसको हम अगर देखना चाहिए कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में, तो हमारी जो आंखें हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं कि जो कि देखती हैं, ठीक है। हमारे जो कान हैं वो भी इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि सुनते हैं। जो हमारी ज़ुबान है, हमारा मुंह है, वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि बोलने के लिए इस्तेमाल होती है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो एक प्रोसेसर के तौर पर काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इनपुट्स को कंट्रोल करता है, आउटपुट को कंट्रोल करता है कि अगर हमने ये कुछ देख लिया, हमें ये इनपुट मिली है, तो इसका हमने एक्शन क्या परफॉर्म करना है, वो हमारा दिमाग हमें हिदायत करता है कि आपने इस इनपुट के अगेंस्ट ये वाली आउटपुट आपने प्रोड्यूस करनी है। तो सेम कंप्यूटर में भी यही स्ट्रक्चर है कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको इनपुट्स मिलती है और वो अपने हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को हदायत देता है कि आपने इस हार्डवेयर डिवाइस के पास जाना है और उसको ये वाला काम करने के लिए आपने हदायत करनी है। तो ये हमारा एक पूरा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर था, उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारा हमने देख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और वो कैसे काम करती हैं। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में डिफरेंस क्या है, ऐसी डिवाइसेस जो कि इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर को, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, और ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर्स हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आउटपुट डिवाइसेस पे शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उसके बाद हम सबको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो प्राइमरी हमारे पास इनपुट डिवाइस है दैट इज़ कीबोर्ड। कि अगर हमारे पास अपने कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस अटैच नहीं है तो सबसे पहले हमने जो डिवाइस अटैच करनी दैट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड के बगैर हम कंप्यूटर को इनपुट नहीं दे सकते। और ये ऐसी डिवाइस है इसके लिए हमें डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इसका जो ड्राइवर होता है वो पहले से इंस्टॉल होता है। तो सबसे पहले कीबोर्ड, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कीबोर्ड ऐसी डिवाइस है जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनकी इनपुट की बेस पे इनकी थ्री टाइप्स हैं। एक कीबोर्ड है जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट देता है, दूसरा हमारे पास आ जाते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो कर्सर होता है उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको मूव करने के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस यूज़ होती हैं उन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। और थर्ड वन हमारे पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। कि हमारे पास अगर हमने डायरेक्ट इनपुट लेनी है तो उसके लिए हमारे पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस होती हैं। ये कि किसी भी फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में डेटा ले सकते हैं, किसी कोड की फॉर्म में डेटा रीड कर सकती हैं। तो ये हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं स्पेशल जो कि लाइट को यूज़ करते हुए स्कैन करती है हमारा डेटा और उसको इनपुट डिजिटल में कन्वर्ट करके तो कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कीबोर्ड। तो हमारे पास जो कीबोर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। अगर स्टैंडर्ड तौर पर हम देखें तो ऑलमोस्ट 100 कीज़ का कॉम्बिनेशन होता है कीबोर्ड, जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में कंप्यूटर को इनपुट देता है। तो इसकी हम डायग्राम एक बना लेते हैं। इसके चार पार्ट होते हैं कीबोर्ड के, मतलब उसकी जो कीज़ होती हैं उनकी फंक्शनैलिटी की बेस पे इसके जो कीबोर्ड है उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो होता है फंक्शन कीज़ होती हैं। उसके बाद मेन कीबोर्ड होता है हमारा। थर्ड वन पे हमारे पास आ जाती है न्यूमेरिक कीज और लास्ट में आ जाती है एडिशनल कीज। तुम्हारे पास कीबोर्ड के अंदर फोर पार्ट्स होते हैं, फंक्शन कीज़ का, मेन कीबोर्ड का, न्यूमेरिक कीज़ का और एडिशनल कीज़ का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन कीज़ की। तो फंक्शन कीज़ होती है ये, लेट्स सपोज हमारे पास एक कीबोर्ड है तो उसकी जो फर्स्ट रो होती है टॉप पे, उसमें जितने भी हमारे पास बटन्स होते हैं उनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। इस तरह एक कीबोर्ड का स्ट्रक्चर होता है उसकी लेआउट, तो उसके अंदर जो सबसे पहली रो होती है उसको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। तो इसमें बटन्स जो लगे होते हैं उस पर लिखा होता है F1, F2, F3 और ये चलता है F12 तक। मतलब हमारे पास कीबोर्ड के अंदर 12 फंक्शन कीज़ हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन कीबोर्ड। तो जो 12 हमारा रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हम मेन कीबोर्ड कहते हैं। इसमें एक्चुअल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती है जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे पास जो फर्स्ट प्राइमरी पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज़ माउस। माउस क्या है, एक जैसे माउस होता है उसकी शक्ल का एक हमारे पास डिवाइस होती है, उसका वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। वो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है हमारे साथ और जिस तरफ और एक इसको जो फ्लैट सरफेस होती है उसके ऊपर रख के चलाया जाता है। तो इसके लिए एक स्पेशल एरिया रिक्वायर्ड होता है जिसके जो कि फ्लैट हो उसके हम माउस को रखते हैं। और अगर हम जो माउस है उसको राइट में मूव करते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर होता है एक एरो बना होता है वो राइट साइड को मूव करता है। अगर हम उसको लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो वो लेफ्ट साइड पे मूव करता है। इसके ऊपर एडिशनल 2 या 3 बटन हो सकते हैं, एक मतलब राइट साइड पे बटन होता है, एक लेफ्ट साइड पे बटन होता है जो कि आइकन्स पे क्लिक करते हैं और उनके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा स्क्रॉल एक बटन हो सकता है जो कि अगर हम कोई बड़ा डॉक्यूमेंट उसको रीड कर रहे हैं तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास एक स्क्रॉल बार होता है माउस के ऊपर। तो ये ऑप्शनल कीज़ हैं उसके ऊपर।
तो उसके अलावा माउस की दो टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल होता है और उसके अलावा जो सेकंड है दैट इज़ ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस में ये होता है कि जो माउस है उसके नीचे एक बॉल लगी होती है, जो कि बॉल की मूवमेंट बेसिकली डिसाइड करती है कि कर्सर ने किस साइड पे मूव करना है। और दूसरा हमारे पास होता है लेज़र या ऑप्टिकल माउस, उसमें बॉल नहीं होती, एक लेज़र लाइट होती है जो कि रिफ्लेक्ट होकर जाती है और वापस उस जो लाइट होती है उसकी सेंसिटिविटी को चेक करके तो कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल दैट इज़ रिवर्स ऑफ माउस। जैसे हमारे पास माउस होता है उसकी ट्रैक बॉल नीचे लगी होती है, उसको चलाने के लिए एक फ्लैट सरफेस की ज़रूरत होती है, लेकिन जो ट्रैक बॉल है इसको चलाने के लिए फ्लैट सरफेस की ज़रूरत नहीं होती, ये एक फिक्स डिवाइस होती है जो कि लैपटॉप्स के ऊपर माउंटेड होती है, मतलब उसके ऊपर फिक्स होती है और सिर्फ एक बॉल नज़र आ रही होती है। और जैसे ही हम बॉल को मूव करते हैं लेफ्ट या राइट, तो कर्सर जो होता है उसकी पोजीशन लेफ्ट और राइट मूव होती है। इसके साथ भी दो बटन अटैच होते हैं, जैसे माउस के साथ अटैच होते हैं, और स्क्रॉलिंग के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शनल बटन हो सकता है। ये हो गया हमारे पास माउस और ट्रैक बॉल। इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं, उसमें पॉइंटिंग स्टिक है, और सेकंड वन इज जॉयस्टिक। तो पॉइंटिंग स्टिक का कॉन्सेप्ट ये है कि ये कीबोर्ड के ऊपर एक प्रेशर सेंसिटिव बटन होता है, हमारे कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं, यहाँ पे होते हैं जी एच और लास्ट रो में होता है बी, तो इनके दरमियान एक गोल सा बटन होता है जिसके ऊपर डॉट्स लगे होते हैं इस तरह से। तो ये प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है, इसको हम थंब से या अपने जो इंडेक्स फिंगर है उसके साथ हम पुश करते हैं और मूव करते हैं, तो जिस साइड में हम इसको मूव करते हैं उसी साइड पे जो हमारा कर्सर है वो मूव करता जाता है। तो ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है, इसके ऊपर कोई बटन नहीं लगे होते हैं। और दूसरा हमारे पास जॉयस्टिक आ जाती है। जॉयस्टिक एक हैंडल के तौर पर काम करता है, मतलब हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है जिसके ऊपर एक हैंडल होता है वो माउंटेड होता है, जैसे आपने देखा होगा जो वीडियो गेम्स होती हैं उनके साथ एक हैंडल लगा होता है, उसको अगर हम लेफ्ट करें तो लेफ्ट मूव होता है, राइट करें तो राइट होता है, अप डाउन इस तरह से वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इस तरह की भी डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं हम कंप्यूटर डिवाइस के साथ, अपने जो माउस होता है उसकी कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हम जॉयस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं वो दैट इज़ टच स्क्रीन एंड टच पैड। टच पैड एंड टच स्क्रीन, जो टच पैड है बेसिकली वो लैपटॉप्स के ऊपर अटैच होते हैं बिल्कुल उसके सरफेस के साथ ही, उसके ऊपर हम फिंगर से टच करते हैं और जैसे अपने फिंगर की पोजीशन को चेंज करते हैं जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो कर्सर है उसकी पोजीशन भी साथ साथ चेंज होती है। इसके ऊपर भी बटन हो सकते हैं, ऑप्शनल है, साइड पर अगर हम स्क्रॉलिंग करें उसके लिए भी एक बटन होता है, वो भी ऑप्शनल होता है। तो एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि सिर्फ इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर देखें हमारे पास जो टच स्क्रीन है ये एक ऐसी स्क्रीन होती है जिससे हम इनपुट भी दे रहे होते हैं और साथ साथ हमें आउटपुट भी मिल सकती है, वो ऑप्शनल है। लेकिन अगर इसका जो प्राइमरी पर्पस हम देखें टच स्क्रीन है वो इनपुट होती है, लेकिन ये अगर हम देखें जो टच पैड है ये फ्लैट सरफेस है लेकिन हम ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो टच स्क्रीन है वो बिल्कुल शफाफ शीशे की तरह होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसके आर पर हम देख सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है उसकी एक लेयर होती है, इसके पीछे इंफ्रारेड रेज होती हैं, जैसे ही हम स्क्रीन के ऊपर किसी भी पोजीशन पर टच करते हैं तो बेसिकली वो जो लाइट होती है वो सिग्नल लेके जाती है कंप्यूटर सिस्टम के पास और वो बताती है कि जो स्क्रीन है उसके किस एरिए पे टच हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो देखते हैं कि इस पोजीशन पे कौन सा आइकन सेट है तो उस आइकन को वो ओपन कर देती है। तो ये हमारे पास है टच स्क्रीन और टच पैड। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं उसमें लाइट पेन है, डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट, और थर्ड वन इज पेन बेस्ड सिस्टम।
तो जो लाइट पेन है बेसिकली वो भी इनपो पॉइंटिंग डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होती है। एक पेन की तरह की डिवाइस होती है, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे पेन है। जैसे ये मार्कर है, इसको थोड़ा सा ब्रेक फॉर्म में आप कर ले कंसीडर, तो वो पेन होगा। उसके ऊपर एक बटन लगा होता है, तो जैसे हम अगर ये हमारा व्हाइट बोर्ड एक स्क्रीन है और इसके ऊपर कुछ आइकन्स बने, तो हम पेन के साथ जो कर्सर है उसकी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। और जैसे मैं जो पेन के ऊपर बटन होगा वो क्लिक करूँगा, बटन प्रेस करूँगा, तो जो आइकन होगा वो ओपन हो जाएगा। तो ये होता है लाइट पेन, ये भी कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है। जो दूसरा हमारे पास आ जाता है डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट, तो ये बेसिकली एक टैबलेट होता है, सेपरेट डिवाइस है, जो कि उसको वाइट के साथ या वायरलेसली हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। उस ग्राफिक टैबलेट के साथ एक पक या स्टाइलस होता है, वो भी एक पेन तरह की डिवाइस है, स्टाइलस और पक, जो कि डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये बेसिकली जो हमारे पास इलस्ट्रेटर्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो डिज़ाइन तैयार करने के लिए इस तरह की डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट। तो जो भी उन्होंने स्केच तैयार करना होता है, ड्राइंग तैयार करनी है, तो वो एक टैबलेट के ऊपर डिज़ाइन करते हैं अपने स्टाइलस के साथ, उसके बाद पक के ज़रिए वो सारी तस्वीर को कॉपी करके सिस्टम के अंदर पेस्ट कर देते हैं। जो थर्ड वन हमारे पास वो पेन बेस्ड सिस्टम है। पेन बेस्ड सिस्टम बेसिकली होता है जैसे कि हमारे पास एक बोर्ड है, इसी तरह का इलेक््ट्रॉनिक बोर्ड होता है, उसके ऊपर हम वो इलेक्ट्रॉनिक पेन होगा जो भी हम लिखेंगे बोर्ड के ऊपर, वो एज इट इज़ हमारा कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा, उसके ऊपर जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज़ कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो सकता है, और बाद में वो वही वाला जो तस्वीर होगी, इमेज होगी, जो भी डाटा यहाँ से स्टोर होगा, वो बाकी सारे स्टूडेंट के साथ भी ऑटोमेटिकली शेयर हो सकता है। तो इससे होगा ये कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग पे फोकस करेंगे, लर्निंग पे, ना कि क्लास में बैठ के नोट्स बनाते रहें। तो नोट से जान छुड़ाने के लिए जो पेन बेस्ड सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसमें टीचर अपने स्पेशल पेन के ज़रिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे लिखेगा वो सेम एज इट इज़ कंप्यूटर सिस्टम में सेव होता रहता है। तो ये थे हमारे पास सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस, जो कि कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करती है। उसके बाद हम देखेंगे सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। तो हम डिस्कस कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस, इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कीबोर्ड, उसके बाद हमने चेक किया पॉइंटिंग डिवाइसेस, और हम लास्ट पे अब हमारे पास है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। मतलब ये स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं, जो कि इनके साथ एक स्पेशल किस्म की डिवाइस अटैच होती है, उसके ज़रिए ये डेटा स्कैन करती है, लेज़र के ज़रिए किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डेटा स्कैन करती है और उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में सेव कर देती है। ये एक बिल्कुल फास्ट तरीका है डेटा स्टोर करने का। अगर हम देखें कीबोर्ड को कंपैरिजन किया जाए, तो कीबोर्ड में हमें जो भी नंबर्स हैं, करेक्टर्स हैं, वो टाइप करने पड़ते हैं। तो अगर हमारे पास एक लंबी स्ट्रिंग है, लंबा, काफ़ी ज़्यादा लंबा नंबर है, लेट्स सपोज हमें कोई चेक है, उसको स्कैन डेटा एंटर करना है, तो हमें चेक का या एटीएम का नंबर वो मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, उस पर टाइम लग सकता है, और उसमें चांसेस होते हैं कि मिस्टेक भी हो जाए। अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है, अकाउंट नंबर में बैलेंस शेयर करना है, तो मैनुअली अगर हम डाटा एंटर करेंगे तो हो सकता है कि हमें कोई मिस्टेक हो सकती है। लेकिन ये जो सोर्सेस डेटा एंट्री डिवाइसेस है, ये ख़ास किस्म की स्कैनिंग डिवाइसेस होती है, जो कि इस तरह के काम परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बारकोड रीडर। ये एक यूनिवर्सल डिवाइस है, जो कि बारकोड्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब बारकोड क्या होता है, ये एक वर्टिकल लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम देख लेते हैं कि इस तरह के आपने कोड देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में काम कर रही होती हैं, तो उनके ऊपर ये अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह का कोड लिखा होता है, उसमें डिफरेंट विड्थ्स के कॉलम्स बने होते हैं, उनके दरमियान वाइट स्पेसेस होती है और ब्लैक स्पेसेस होती है। ब्लैक कलर के कॉलम्स होते हैं और उनके दरमियान वाइट स्पेसेस होती हैं। जो बेसिकली बारकोड रीडर होता है, वो उन दो कॉलम्स, जो ब्लैक कलर के कॉलम्स होते हैं उनके दरमियान जो वाइट स्पेस है, उसकी विड्थ को स्कैन करता है, और उसकी विड्थ की बेस पे वो चेक करते हैं कि इसका कौन सा नंबर हमने इसके रिस्पेक्टिव स्टोर करवाना है। तो इस तरह के नंबर्स आपने देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे, जो मार्कर है इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बारकोड एक एम्बेड है। तो जो बारकोड रीडर होता है, वो इसी तरह के कोड्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो एज इट इज़ कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में जाके स्टोर हो जाती है, और उसके रिस्पेक्टिव जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी सारी डिटेल्स आपको सॉफ्टवेयर में सामने आ जाती है। तो उसके बाद हमारे पास होता है MCR डिवाइसेस। MCR स्टैंड्स फॉर मार्क्स एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। तो मार्क्स एंड करेक्टर रिकॉग्निशन ऐसी डिवाइसेस है जो कि खास किस्म के सिंबल्स और करेक्टर्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसकी टाइप्स है वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली जो होती है वो MICR।
MICR stand for magnetic ink character recognition, मतलब ये एक ख़ास किस्म की जो इंक होती है मैग्नेटिक इंक, उस तरह के वो इंक यूज़ करके अगर हमने कुछ अल्फाज या करेक्टर्स लिखे हैं किसी भी चीज़ पे, तो जो MICR रीडर होता है वो सिर्फ उस स्पेशल किस्म के करेक्टर्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा जो चेक बुक्स होती हैं, जो चेक होता है उसके एक बिल्कुल बिलो लाइन कुछ लिखा होता है चेक नंबर, तो वो ख़ास इंक से लिखा होता है, वो सादी इंक नहीं होती, वो मैग्नेटिक इंक होती है जिसके ज़रिए वो चेक का नंबर लिखा होता है। तो उसको स्कैन करने के लिए हमारे पास जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनको हम MICR कहते हैं। तो MICR क्या करता है, मैग्नेटिक इंक से जो भी करेक्टर लिखे गए होते हैं उनको रीड करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होती है। दूसरी हमारे पास आ जाती है OMR। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि ख़ास किस्म के सिंबल्स या मार्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो आपने देखा होगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव शीट होती है आपने बबल फिल करने होते हैं, तो वो जो बबल वाली शीट होती है वो एज इट इज़ जाती है कंप्यूटर सिस्टम के पास, वो स्कैन करते हैं और जो शीट्स के ऊपर बबल फिल आपने किया होता है वो स्पेशल मार्क्स होते हैं, वो एज ए उनको स्कैन करते हैं और फिर उनके बेस पर चेक करते हैं, कम्बिनेशन मैच करते हैं कि अगर आपका एमसीक्यूज़ ठीक है तो उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं, अगर आपने किसी दूसरी जगह पे उसको सर्कल किया है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन, मतलब ये एक लेज़र तरह की डिवाइस होती है जो कि स्कैन करती है आपका पेपर, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन की जाती है। उसके बाद है OCR। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल करेक्टर्स रिकॉग्निशन, एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिर्फ करेक्टर्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा जो सिग्नल्स होते हैं रोड पे, वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरे बिल्कुल ऐसे होते हैं बेसिकली OCRs, जो कि सिर्फ करेक्टर्स को रीड करते हैं। आपके जो भी बाइक्स या व्हीकल्स हैं उन पे जो करेक्टर्स लिखे होते हैं नंबर प्लेट्स, ये उनको रीड करता है और जो भी डाटा आता है वो फेच करके डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर देता है, और जो भी आपके दूसरे टेक्स्ट होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रीड करने के लिए स्कैन करने के लिए भी OCR यूज़ होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मैग्नेटिक कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, मतलब ये इस तरह के जो रीडर होते हैं, आपने देखा होगा स्पेशल किस्म के जो कार्ड होते हैं ATM, उनके पीछे एक ब्लैक कलर की पट्टी लगी होती है जिसे स्ट्रिप कहते हैं, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, वो सादी नहीं होती या प्रिंटेड नहीं होती, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उसके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड की होती है, आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो बेसिकली जो स्पेशल किस्म के रीडर होते हैं ATM मशीन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, उसे हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर कहते हैं। वो क्या करते हैं, जो कार्ड होता है आपका ATM उसके पीछे जो भी मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है उसके पीछे जो डाटा हिडन होता है वो उसको फेच करती है और कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन करके उसको चेक करती है, वेरीफाई करती है और उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्मार्ट कार्ड्स। जो लास्ट पे स्मार्ट कार्ड्स, ये जो नादरा की तरफ से अब इशूज हो रहे हैं स्मार्ट कार्ड, उसमें आपने देखा होगा एक ख़ास किस्म की चिप इम्बेड होती है, वो क्या करती है आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर स्टोर्ड होती है वो चिप के अंदर। तो बेसिकली जो स्मार्ट कार्ड रीडर्स होते हैं वो रीडर उन्हीं चिप को रीड करते हैं और उनमें से आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे लेट्स सपोज अगर आपके जो CNSC पे जो भी डिटेल्स, आपका CNSC नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके फुल नेम क्या है, पेरेंट्स नेम क्या है, इस तरह की सारी डिटेल्स उस चिप के अंदर मेंशन होती है। तो जो रीडर होते हैं वो उस चिप को रीड करते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, MCR डिवाइसेज हैं, मतलब मार्क्स एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेज। तो उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या करती है कि आपका डॉक्यूमेंट जो होता है प्रिंटेड फॉर्म में उसको पहले स्कैन करती है एक डिवाइस के साथ, और अगर हमने वो सेम एज इट इज़ उसी फॉर्म में किसी दूसरी जगह पर डाटा सेंड करना है तो उसके लिए फैक्स मशीन इस्तेमाल की जाती है, इसे फैक्सिंग वाली मशीन भी कहते हैं। तो इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, जो फैक्स मशीन है इसकी दो टाइप्स है, एक फैक्स मॉडम और दूसरा डेडिकेटेड फैक्स मशीन है। जो डेडिकेटेड फैक्स मशीन है बेसिकली वो इस तरह काम करती है, जो आपकी टेलीफोन लाइंस होती है उसको यूज़ करते हुए एक डिवाइस सेंडर के पास होती है और सेम उसी तरह की डिवाइस जो रिसीवर उसके पास होती है,
तो एक जगह से जो भी डॉक्यूमेंट वो स्कैन हुआ है उसकी सेम कॉपी जो होती है वो सेंडर के पास जाती है, रिसीवर के पास, और रिसीवर उसको रिसीव करता है और अगर वो चाहता है तो उसको प्रिंट कर लेता है, नहीं तो वो रीड करके वो एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि मुझे पैकेज जो आपके डॉक्यूमेंट वो रिसीव हो चुका है। तो जो दूसरा हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होता है कंपनीज में, दैट इज़ फैक्स मॉडम। ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था जो नेटवर्क डिवाइसेस होती है उस तरह का एक मॉडम होता है आपके कंप्यूटर के सिस्टम के साथ अटैच होता है। ये अलग से डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद है, मतलब इसमें आपको स्कैनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फैक्स मशीन अलग से अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक मॉडम अटैच करना अपने सिस्टम के साथ। जो भी आपके सिस्टम में इमेजेस है, डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने वो सेंड करना तो आप उस मॉडम के थ्रू टेलीफोनिक लाइन को यूज़ करते हुए किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर भी सेंड कर सकते हैं। जो फैक्स डेडिकेटेड फैक्स मशीन है उसमें एक फैक्स मशीन से दूसरे फैक्स मशीन तक डाटा जाता है, दरमियान में कोई कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जो फैक्स मॉडम है उसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, वहाँ से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में डाटा जाता है थ्रू फैक्स मॉडम। उनके दरमियान मॉडम्स लगे होते हैं, सेंडर के साथ भी और रिसीवर के साथ भी मॉडम। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डॉक्यूमेंट मॉडम को भेजता है, एक मॉडम दूसरे मॉडम को, फिर वो मॉडम दूसरे जो रिसीवर होता है उसके सिस्टम पर चले जाता है। तो उसकी मर्ज़ी है फिर वो उसने प्रिंट निकालना या नहीं निकालना, वो उसका ऑप्शन है, वो एज इट इज़ डेटा रीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फैक्स मशीन। उसके बाद है इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम बिल्कुल एक स्कैनर के तौर पर काम करता है। इनपुट डिवाइस है, अगर हमने आपको पहले हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हमने टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देनी है तो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर हमने पूरा पूरा डॉक्यूमेंट है वो भेजना है कंप्यूटर सिस्टम में, या कोई इमेज है वो स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट के तौर पर देनी, तो उसके लिए हम इमेजिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो इमेजिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हमारे पास इमेज है या डॉक्यूमेंट है जिसको हमने स्कैन करना है, कोई पेपर है, उसको हम मशीन के अंदर रखते हैं, उसके अंदर लेज़र बीम होती है जो कि उसको स्कैन करती है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो कंप्यूटर सिस्टम में एज अ डिजिटल उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेती है। उसको बाद में हम फिर एडिट कर सकते हैं, किसी को सेंड करनी है सेंड कर सकते हैं, उसको स्टोर करना है, तो वो सारे के सारे फंक्शन हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट में हमारे पास आ जाती है ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेज। तो पहले हम ऑडियो डिवाइस को डिस्कस करते हैं। ऑडियो डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है, ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को ऑडियो की फॉर्म में इनपुट देती है। अब ऑडियो की फॉर्म में जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी जो साउंड है इसको अगर हमने कंप्यूटर में स्टोर करना है तो इसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसे कहते हैं माइक्रोफोन, या शॉर्ट फॉर्म में हम उसको माइक भी कहते हैं। तो होता क्या है कि इसके साथ एक ऑडियो कार्ड अटैच होता है जो कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसको एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और फिर जो मेरा साउंड है उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देती है। उस पर फिर हम बाद में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑडियो इनपुट डिवाइस है वो क्या है, माइक्रोफोन है जो कि एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद जो ऑडियो कार्ड होता है वो उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। दूसरा हमारे पास है वीडियो डिवाइसेज। तो वीडियो डिवाइसेज क्या होती हैं कि ऐसी डिवाइसेज जो कि वीडियो को रिकॉर्ड करने, मतलब जो मोशंस होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी जो वीडियो है वो कैमरे में स्टोर हो रही है, तो इस तरह की अगर मैंने वीडियो की फॉर्म में इनपुट देनी है तो उसके लिए ख़ास किस्म की डिवाइसेज यूज़ होती हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। तो जो वीडियो इनपुट है वो हम वीडियो इनपुट डिवाइसेज के थ्रू देते हैं ताकि जो हमारी पूरी की पूरी वीडियो है वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो डिवाइसेज उस वीडियो कार्ड होता है एक किस्म का, कि जो भी मेरी वीडियो आ रही है स्कैन हो रही है वो एक वीडियो कार्ड के पास जाती है, वीडियो कार्ड उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में और फिर वो हमारे पास स्टोर होती है। तो जो वीडियो कार्ड होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फ्रेम ग्रैबर, और दूसरा होता है फुल मोशन। जो वीडियो कार्ड होता है फ्रेम ग्रैबर उसमें क्या होता है कि एक टाइम में सिर्फ एक इमेज या एक फ्रेम ही वो रिकॉर्ड करता है। जैसे कि आपको पता है कि जो वीडियो होती है वो डिफरेंट इमेजेस का कॉम्बिनेशन होती है, कि काफ़ी ज़्यादा जो सीक्वेंस में फ्रीक्वेंट इमेजेस होती है अगर उनको कंबाइन किया जाता है तो वो एक वीडियो बनती है। तो जो डिवाइसेज होती है हमारे पास वीडियो इनपुट डिवाइसेज वो यही काम करती है कि टाइमली वो जो स्नैपशॉट्स लेती हैं इमेजेस के उसको बाद में कंबाइन कर देते हैं तो हमें एक वो मुसलसल वीडियो की फॉर्म में नज़र आती है। तो जो फ्रेम ग्रैबर वो एक टाइम में सिर्फ एक ही इमेज को स्टोर करता है, लेकिन जो फुल मोशन है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है कि वो 30 फ्रेम्स
पर सेकेंड स्टोर करता है, मतलब एक सेकेंड के अंदर वो 30 फ्रेम्स को स्टोर करता है अपने पास। बाद में उन सारे जो फ्रेम्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक वीडियो के फॉर्म में उसको एम्बेड करके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। तो ये दो तरह के वीडियो कार्ड इस्तेमाल होते हैं वीडियो को स्टोर करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास जदीद तरीका है मॉडर्न वीडियो को स्टोर करने का, वो है कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या करता है कि जो हमारी सारी की सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकता है। आपने देखा होगा जो स्लो मोशन कैमरा आते हैं उसमें वो ज़्यादा फ्रेम्स को रिकॉर्ड करता है एक सेकेंड में, और उसके बाद उसको वीडियो को चला देता है कंबाइन करके। तो जो कैमरा डिजिटल कैमरा होता है वो हमारी जो वीडियो होती है उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है अपने डिवाइस के साथ। उसके साथ मेमोरी कार्ड्स लगे होते हैं, मेमोरी चिप्स लगी होती हैं स्टोरेज डिवाइस, तो हम एज इट इज़ उनको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या हम डिजिटल कैमरा में भी उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली वो करता क्या है कि जो हमारी वीडियो होती है उसको एज ए इनपुट लेता है, वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर कर देता है ताकि बाद में हम उस पर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो ये थे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। इसमें हमने सबसे पहले कीबोर्ड देखे, उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस, और फिर हमने सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस देखे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आउटपुट डिवाइसेस।